उदाहरण आठ, छप्पन और बयासी का गुणनफल ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र की मदद से ज्ञात करना है। यहां भी बिल्कुल उसी प्रकार काम किया जाएगा, ऊर्ध्व गुणनफल, फिर तिर्यक गुणनफल और फिर दहाई के अंकों का ऊर्ध्व गुणनफल। ऊर्ध्व गुणनफल दो और छह का 12, तिर्यक गुणनफल 10 धन 48 58 और इधर ऊर्ध्व गुणनफल 40। यहां हम देखते हैं कि ये इकाई का अंक 2 हुआ, यहां से दहाई का अंक हासिल में हुआ तो यह हो गया 59, यहां पर उसका होगा 9 और 5 जो दहाई का अंक है ये पुनः हासिल होकर के 40 में जोड़कर यह हो जाएगा 45। तो दिए गए प्रश्न का हल 4592 हुआ।